गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे साइंस के वीडियोस देखने को मिलेंगे जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और साथ में आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इनके डिफरेंस क्या हैं, इसको समझेंगे और इसके रोल को समझेंगे, क्या फंक्शन है। ये तीनों एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो हमें समझना ज़रूरी है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं। दे आर द ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द बॉडी। एक तरह के ये कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं जो कि हमारे जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करते हैं, उसकी जो फॉर्म है, उसकी शेप है, उसे बनाए रखते हैं। दे नॉट ओनली प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स, साथ में ये एनर्जी भी स्टोर करते हैं और दे मूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। एनर्जी स्टोर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं ताकि जो हिस्से में एनर्जी की सप्लाई कम है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम है, वहाँ पे ये प्रोवाइड कर सकें। दे इंक्लूड सेवरल टाइप्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज दैट वेरी इन डेंसिटी। ये फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जिनकी डेंसिटी वेरी होती रहती है। डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जब ये दो बोन्स को कनेक्ट करते हैं, अगर वो बोन्स बड़ी हैं, वहाँ पर बॉडी मूवमेंट ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ताकि उसकी मूवमेंट अच्छे से हो सके। जहाँ डेलिकेट बोन्स हैं या डेलिकेट मसल्स हैं वहाँ पे इनकी डेंसिटी कम होती है ताकि एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और उसकी मूवमेंट अच्छे से होती रहे। दे आर वन ऑफ द मोस्ट फाइन टिश्यूज इन द बॉडी। दे आर मेड ऑफ सेल्स, फाइबर्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज तीन प्रकार के हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कार्टिलेज को। कार्टिलेज एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पैडिंग प्रोवाइड करता है बिटवीन द बोन्स। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एट जॉइंट्स एंड एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। अब आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह का कार्टिलेज है जो कि फीमर और टिबिया, जो कि हमारे नी को कनेक्ट करते हैं, उसके बीच में ये लोकेटेड है। कार्टिलेज एक तरह से कुशन प्रोवाइड कर रहा है और इनकी बॉडी, ये जो बोन्स में जो मूवमेंट है उसको, उसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि ये एक तरह से पैडिंग प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों को टच नहीं होने देता और एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। जब हम भागते हैं या चलते हैं तो ये जो बोन्स हैं इनको आपस में टच नहीं होने देता, एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है और पैडिंग प्रोवाइड करता है। कॉन्ड्रोसाइट एक तरह के सेल्स हैं जो कि कार्टिलेज को बनाते हैं और एक ऑंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में भी मदद करते हैं। ऑंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जिससे बोन बनाने में ये मदद करता है और अगर फ्रैक्चर हो जाता है या उसको हील करता है। कार्टिलेज लैक्स ब्लड सप्लाई, यही मेन कारण है कि अगर कोई भी इंजरी हो जाती है कार्टिलेज में, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है हील होने में। द मूवमेंट ऑफ वेस्ट एंड न्यूट्रिशन इज थ्रू डिफ्यूजन। जो कार्टिलेज में न्यूट्रिशन और वेस्ट की जो मूवमेंट होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है। डिफ्यूजन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। अब देखिए, अगर न्यूट्रिशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी हाई होगी और वो लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते रहेंगे जब तक कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। उसी प्रकार जब ये न्यूट्रिशन को यूज़ कर लेते हैं और वेस्ट बन जाता है, वेस्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो फिर कार्टिलेज में से जो वेस्ट होता है, हाई कंसंट्रेशन वेस्ट, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। कार्टिलेज के पास स्टिमुलस नहीं होता, नो नर्व इनर्वेशन। स्टिमुलस का मतलब कि जब जिसमें चोट लगती है तो हमें सेंसेशन का एहसास नहीं होता, हेंस देयर इज नो सेंसेशन व्हेन इट इज़ इंजर्ड। इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कॉन्ड्रोइटिन। कॉन्ड्रोइटिन एक तरह का मटेरियल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में नेचुरली अकर करता है और ये इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कार्टिलेज को। कार्टिलेज के साथ जो प्रॉब्लम जुड़ी है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह की डिजीज़ है जो कि पूरे जॉइंट को अफेक्ट करती है। इसमें जो जॉइंट्स हाई प्रेशर में होते हैं, अंडर हाई स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि अगर हम नी जॉइंट की बात करें तो उनके बीच में जो कार्टिलेज होती है जो दो बोन्स के बीच में पैडिंग की तरह एक्ट करती है, वो वियर टीयर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो टाइम के साथ पतली होनी स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट्स थिनिंग आउट। उससे क्या होता है, जो बोन्स के बीच में जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, उसमें फ्रिक्शन पैदा हो जाता है जिसकी वजह से हमें पेन और इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाती है और इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब आगे बढ़ते हैं, लिगामेंट की बात करते हैं। ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, इसको बोलते हैं द इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यूज जो कि कॉलेजन के बने होते हैं। कॉलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है और ये इलास्टिक बैंड्स कनेक्ट करते हैं एक बोन से दूसरी बोन को। देखिए, हमने कार्टिलेज का देखा था, कार्टिलेज
एक तरह से कुशन और पैडिंग का काम करती है दो बोन्स के बीच में, और जबकि लिगामेंट दो बोन्स को जोड़ती है, एक बैंड ऑफ टिश्यूज हैं जो दो बोन्स को जोड़ते हैं। इट प्रिवेंट्स बोन्स फ्रॉम डिसलोकेटिंग एंड मेंटेन स्टेबिलिटी इन द बॉडी, बोन्स को डिसलोकेट होने से रोकती है और उसमें स्टेबिलिटी बनाए रखती है। अलाउ बोन्स टू मूव इन द डिजायर डायरेक्शन, ये बैंड्स बोन्स को अच्छे से पकड़ के रखते हैं और डिजायर डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट को बनाए रखते हैं। दे लुक लाइक रोप्स और कॉर्ड्स। हमारी बॉडी में 900 से ज़्यादा लिगामेंट्स हैं और मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन आर्म्स एंड लेग्स। अब लिगामेंट डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, हम जनरली देखते हैं जैसे हम भागते भागते हमारा एंकल मुड़ जाता है, उसकी वजह से सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वो एक तरह से लिगामेंट डिसऑर्डर है। एंकल में, नी में या रिस्ट में, बैक या नेक में स्वेलिंग आ जाती है, ब्रूस हो जाती है, वो एक तरह का लिगामेंट डिसऑर्डर है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिगामेंट की, जो कि टाइम के साथ ठीक हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ तीसरे कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम बोलते हैं टेंडन। टेंडन इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यूज जो कि प्रोटीन कॉलेजन का बना होता है, ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। देखिए कार्टिलेज पैडिंग का काम करती है दो बोन्स के बीच में, लिगामेंट दो बोन्स को जोड़ती है, जबकि टेंडन मसल और बोन को जोड़ती है। हमारी बॉडी में 4000 से ज़्यादा टेंडन्स हैं सर से लेके टो तक, दे आर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। द एचिलस टेंडन इज द लार्जेस्ट टेंडन दैट कनेक्ट्स काफ मसल्स विद द एंकल बोन। ये जो काफ मसल है और जो एंकल की बोन है उसको जोड़ती है टेंडन, लार्जेस्ट टेंडन है एचिलस टेंडन। अब देखिए इसके फंक्शन को समझ लेते हैं किस तरीके से काम करता है। जब आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो या स्क्वीज करते हो और टेंडन अटैच होता है बोन के साथ, तो जैसे ही आपने अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, टेंडन ने बोन को भी अपने साथ खींचा। टेंडन मसल के साथ कनेक्टेड है और बोन के साथ भी कनेक्टेड है। अगर आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बोन भी साथ में खींची चली आएगी और हमारी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप अपने मसल को रिलैक्स करते हो तो टेंडन भी एक तरह से रिलैक्स हो जाता है और जो बोन उसके साथ अटैच होती है वो भी रिलैक्स हो जाती है और वो स्प्रेड आउट हो जाती है। दे वर्क लाइक ए लीवर, एक लीवर की तरह काम करते हैं। जब आपने अपनी मसल को स्क्वीज किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बोन भी उसके साथ उसी डायरेक्शन में आ गई। जैसे ही आपने अपने मसल को रिलैक्स किया, बोन भी या एक्सपैंड हो गई। अब टेंडन डिसऑर्डर्स को समझते हैं। टेंडन डिसऑर्डर्स आर कॉमन विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हम अपने जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको हम यूज़ करते रहते हैं, ओवर यूज़ से, रिपीटेड एक्टिविटीज से टेंडन्स जो हैं वो थिन हो जाते हैं विद टाइम, और लेस ब्लड फ्लो मेक देम वीकर, कम ब्लड फ्लो की वजह से वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। अब इसको समराइज कर लेते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन, अब इसकी समरी समझ लेते हैं। कार्टिलेज एक तरह से पैडिंग प्रोवाइड करता है बोन्स के बीच में, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जॉइंट्स पर और एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। द मूवमेंट ऑफ वेस्ट एंड न्यूट्रिशन इज थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, इस प्रोसेस के थ्रू वेस्ट और न्यूट्रिशन की मूवमेंट होती है। कार्टिलेज के पास नर्व इनर्वेशन या नर्व स्टिमुलस नहीं होता, जिसकी वजह से सेंसेशन नहीं होती जब इसमें चोट लगती है। द इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यू जिसको, जो कि कॉलेजन के बने होते हैं, एक तरह का प्रोटीन है जो बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, वो लिगामेंट कहलाते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं बोन को डिसलोकेट होने से और उनमें स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। द इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यूज जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं उसको हम टेंडन बोलते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। द एचिलस टेंडन लार्जेस्ट टेंडन है जो कि काफ मसल को हमारी एंकल बोन के साथ कनेक्ट करता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन्स आर कनेक्टिव टिश्यूज, इज दिस ट्रू और फॉल्स? सेकेंड पे आइए, कार्टिलेज हैज ए नर्व इनर्वेशन सिस्टम, कार्टिलेज के पास नर्व स्टिमुलस सिस्टम है, इज दिस ट्रू और फॉल्स? तीसरी बात करता हूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस लीड्स टू वियर एंड टियर ऑफ द कार्टिलेज, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? फोर्थ वन, लिगामेंट्स कनेक्ट मसल्स टू द बोन, लिगामेंट्स मसल्स और बोन को कनेक्ट करते हैं, ट्रू और फॉल्स? द एचिलस टेंडन द लार्जेस्ट टेंडन कनेक्ट्स द काफ मसल्स विद द एंकल बोन, ट्रू और फॉल्स? टेंडन्स आर मेड ऑफ कॉलेजन, ट्रू और फॉल्स? अब इसको पॉज कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द आंसर्स आर, आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको एकदम से अपडेट आ जाएगा और आप लेटेस्ट वीडियो ऑन द स्पॉट देख सकती हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।